अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर देश का सियासी पारा हाई है। एक ओर जहां भाजपा के नेतृत्व में एनडीए ताबड़तोड़ बैठकें कर रही है, चुनावी रणनीति बना रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन इंडिया भी चुनावी रणनीति बनाने में जुटी है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में इंडिया की तीसरी बैठक भी होने वाली है। ऐसे में बहुजन समाजवादी पार्टी का रुख क्या रहेगा, इसे लेकर बीएसपी ने लखनऊ में महामंथन किया। लेकिन इस महामंथन के दौरान एक तस्वीर ऐसी सामने आई जिसने बीएसपी के भविष्य के लिए नए संकेत दे दिए हैं। बसपा की बैठक के दौरान मायावती ने मुस्कुराते हुए भतीजे आकाश आनंद के कंधे पर हाथ रखा, जो ये इशारा करता नजर आ रहा है कि बसपा की बागडोर अपने हाथों में रखने वाली मायावती अब पार्टी की जिम्मेदारी अपने भतीजे आकाश आनंद के कंधों पर डालती दिख रही हैं, क्योंकि 2024 के चुनावी मंथन के लिए हुई बैठक के ठीक बाद मायावती ने अपने ट्विटर हैंडल से यह खास तस्वीर शेयर की है। बता दें कि मायावती 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का उत्तरदायी तो आकाश को सौंप कर उन्हें आगे बढ़ाने में जुटी हैं, जो बताता है कि मायावती अब पार्टी में अपनी सेकंड लाइन के लीडरशिप को धीरे धीरे तैयार कर रही हैं। अब इन चुनावी राज्यों की सफलता और असफलता आकाश का भविष्य तय करेंगी। बैठक के दौरान मायावती ने कहा कि चुनाव को देखते हुए संगठन में कुछ फेरबदल किए हैं, जिसे लेकर मायावती ने कहा यूपी जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य होने के कारण यहां के राजनीतिक हालात अक्सर बदलते रहते हैं। मायावती का ये बयान अब बसपा के भविष्य की नई दिशा तय करने वाला है। बता दें कि शुक्रवार को लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ महामंथन किया, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन किया गया, जिसके बाद मायावती ने यह साफ कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेगी। इसे लेकर मायावती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर प्रेस नोट जारी किया। पार्टी की ओर से जारी प्रेस नोट में लिखा गया कि पार्टी अपने बूते पर ही चुनाव लड़ेगी। साथ ही मायावती ने पार्टी को मजबूत बनाने के निर्देश दिए हैं। बसपा सुप्रीमो ने संगठन और कैडर को छोटी छोटी बैठकों के आधार पर गाँव गाँव में मजबूत बनाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए पुरानी गलतियों को दूर करने को कहा है। बैठक में मायावती ने साफ कहा कि गठबंधन की वजह से बसपा को फायदे की जगह नुकसान उठाना पड़ रहा है। बसपा का वोट तो दूसरी पार्टी में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दूसरी पार्टी अपना वोट बसपा में ट्रांसफर नहीं करवा पाती है। यानी मायावती ने यह तो साफ कर दिया कि गठबंधन बसपा को रास नहीं आ रही है। लखनऊ महामंथन के दौरान मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की संकीर्ण जातिवादी और सांप्रदायिक राजनीति से सभी लोग त्रस्त हैं। बीजेपी अब अपना प्रभाव ही नहीं बल्कि अपना जनाधार भी खो रही है, जिसकी वजह से इस बार लोकसभा चुनाव एक तरफा नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव देश की राजनीति को नई करवट देने वाला साबित होगा। बहरहाल अब तो ये अगले साल ही पता चलेगा कि मायावती की ये चुनावी रणनीति कितनी कारगर होती है और मायावती की इस रणनीति से किसे फायदा होता है, एनडीए को या विपक्षी एकता के नए गठबंधन इंडिया को। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।